फिर से स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल। आज की वीडियो में मैं क्लास टेंथ के जी फ्रेंड्स सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को ये सब क्वेश्चन मिलेगा जो आपका एग्ज़ाम है। फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करेंगे। आईएसआई चिन्ह अंकित है, आईएसआई चिन्ह अंकित है 1500 उत्पादों पर, 1550 उत्पादों पर, 1400 उत्पादों पर या 1600 उत्पादों पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको कमेंट बताना है। तो फाइनली इसकी राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा 1500 उत्पादों पर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और यदि आपने चैनल में फर्स्ट पार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, विश्व बैंक या IMF या UNO यानी वैसे कोई नहीं। तो 46 नंबर है क्वेश्चन नंबर जो 46 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो सब मैंने गेस किया हुआ क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन लिया जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम को देखने को मिलेगा। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, यानी 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। फाइनली इसकी राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, डी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था, कवि, नाटककार, संगीत या कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क जो है ना वो क्या था, एक प्रकार का कूटनीतिज्ञ था, डी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेनिन की मृत्यु 1924 को हुई थी, जो ज़्यादा डी बताना है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट करेंगे काकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा ध्यान से देखिएगा, G8 की स्थापना कब हुई थी। तो G8 की स्थापना की बात करें तो 1975 में हुई थी, सी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई, यानी मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी राइट आंसर आपको बताना है। फाइनली इसकी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए जो भी है ना, बंदरगाह की सुविधा, कपास की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, ये सारा तीनों कारण को देखते हुए मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र स्थापित किया गया था, सो आपका डी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, संसार की सबसे ऊँची सड़क कहाँ है। जी हाँ फ्रेंड्स, संसार की सबसे ऊँची सड़क कहाँ है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर आपको बताना है। संचार की सबसे ऊंची सड़क है मनाली से लेह तक, ए विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, भारत का नारियल प्रदेश किससे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का नारियल प्रदेश की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा केरल को, भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, जो साथ ये बता रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से अच्छी तरह से देख लेना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में शेयर करना है। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब और अंगीकार किया गया, भारत में गणतंत्र कब लागू किया गया था, हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, सो इसका सी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नगर निगम के निर्वाचित, जी हाँ फ्रेंड, निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है, बी विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। बिहार में आर्थिक पिछड़े पर का प्रमुख कारण क्या, देखिए बिहार में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रहा है, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा, यहाँ पे काफ़ी ये सब वजह है और इस वजह से इसके राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, बिहार में आर्थिक पिछड़े के कारण ऑफ्योर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगलेन समिति बनाई गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैगलेन समिति बनाई गई, तो मैगलेन समिति बनाई गई थी 1914 में, जो साथी बी बता रहे हैं, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन था ही। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पिनिंग जेनी के आविष्कार की मैं बात करूँ, वो जाएगा 1770 में, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, दोस्त में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।